नगर अंजोर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एससी और एसटी समाज के लोगों ने आज रैली निकाल कर दिया ज्ञापन। नगर अंजोर में आज एससी और एसटी वर्ग के लोगों के द्वारा स्थानीय नगर परिषद अंजोर के प्रांगण से तहसील कार्यालय तक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें समाज जनों के द्वारा नारे लगाए गए, संविधान बचाओ के नारे भी लगाए गए। रैली के अंदर सैकड़ों की संख्या के अंदर समाजजन मौजूद थे। राष्ट्रपति के नाम संदेश में मांग की गई कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे के अंदर कोटा एवं कोटे के अंदर क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले का हम विरोध करते हैं। इस फैसले को बदलने के लिए संविधान में संशोधन को लेकर रैली निकाली गई है और ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के अंदर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को जो फैसला दिया गया है, एससी और एसटी एससी वर्ग के सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम सब इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले के ऊपर विचार करे और तत्काल इस पर संशोधन करे। 7 जजों की बेंच में एक जज को छोड़कर 6 जजों ने एक साथ अपने फैसले पर असहमति जताते हुए अपना निर्णय वर्गीकरण के खिलाफ फैसला दिया था, जिसको आधार बनाकर आज तहसीलदार बबली वर्डे को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन वाचन कैलाश बागेश्वर ने किया। अवसर पर सैकड़ों की संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। क्या नाम है भैया आपका? केसी बागेश्वर। आज आप तहसील कार्यालय में क्या ज्ञापन दिया, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो एसटी एससी के 1 अगस्त को जो निर्णय लिया गया क्रिमिलियर टेस्ट वाला, वो चूंकि पहले भी इस तरह की जो जजों के माध्यम से निर्णय लिया गया था, वो हमारे एसटी एससी के जो आर्टिकल है उनके विरुद्ध था और ये ओबीसी पर लागू होता है, ना कि एसटी एससी के ऊपर लागू किया जाता है। तो हमारा जितने भी जो भी हमारे संवैधानिक पद पर जो अधिकारी और राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और जो भी जो है पदाधिकारी, उन सबसे यही अनुरोध करते हैं हम कि ये जो निर्णय लिया गया कोर्ट के द्वारा, ये हमारे एसटी एससी पे लागू न किया जाए और इसको जो पहले जो यथावत था उसको वैसे ही रहने दिया जाए। धन्यवाद। मैडम, आज जो ज्ञापन दिया है इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आज तहसील कार्यालय में अंजड़ के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों और अन्य दलित वर्गों के समाज से भी तहसील कार्यालय में माननीय राष्ट्रपति, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा कलेक्टर सर को एक ज्ञापन तहसील कार्यालय में दिया गया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संबंध में जो क्रीमी लेयर निर्धारित किया गया है उसको पलटने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। क्या मांग है मैडम उनकी? उनकी जो है अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कोटे के अंदर कोटा जो निर्धारित किया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको पलटने और अन्य मांगों के संबंध में विस्तृत रूप से ज्ञापन दिया गया है। प्रभाव क्योंकि राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया था संगठन की ओर से, अभी तहसील स्तर पर अभी किसी प्रकार का बंद की सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है, जो भी होगा नियमानुसार उसमें कार्रवाई करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए अंजर से रवि शिमले की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।